गुना से खबर, जहां पर जिले में 8,11,000 लोगों को कोरोना टीका लग चुका है। बुधवार को 137 केंद्रों पर 26,600 के लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जिले में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि गुना जिले में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 8,11,000 लोगों को आज दिनांक तक टीका किया गया। इसमें प्रथम डोज 6,95,176 और 1,15,709 लोगों ने दूसरे डोज की खुराक लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया। विकास जैन ने बताया कि बुधवार को 137 केंद्रों पर 26,600 लक्ष्य के साथ बगैर पूर्व कोई रजिस्ट्रेशन के साथ पहले और दूसरे डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हम स्वयं भी टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। लोगों में टीकाकरण को लेकर काफ़ी उत्साह है। वो सुबह से ही लंबी लंबी कतार में खड़े होकर टीकाकरण करा रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा और भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्र पर टीका कराने आए लोगों से दूसरे डोज का महत्व बताते हुए बचे हुए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। मानस भवन में दिव्यांग भैया लाल धाकड़ को सिस्टर सिमी के द्वारा कोविशील्ड का प्रथम डोज की खुराक दी। इस अवसर पर सतीश सनोनिया डॉक्टर मौजूद थे। कोरोना से बचाव के लिए चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान के तहत आज बुधवार को जिले में 137 केंद्रों पर 26,600 लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। मैं सभी जिलेवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी पहला डोज एवं दूसरे डोज की बारी आने पर दोनों डोज अवश्य लगवाएँ, क्योंकि कोरोना टीका जब भी कारगर है, जब हम दोनों डोज का खुराक ले लेंगे तभी हम कोरोना संक्रमण से लड़ पाएंगे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि टीका अवश्य लगवाएं। टीका ही एकमात्र उपचार है कोरोना को हराने में। हम सभी जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें और टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, आस पड़ोस में सभी को प्रेरित करें कि टीका लगवाएँ। टीका ही कारगर है। आज नगर में मानस भवन धूड़ेवाला जी कैंट कुसमोदा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी जगह कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। सभी टीका अवश्य लगवाएं। निश्चित कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।